हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आप हर पल हर घड़ी इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और ये इंसान, ये पर्सन आपके बारे में दिन रात क्या सोच रहे हैं, क्या ये आपकी ही तरह आपको दिन रात सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, किस वे में आपको सोच रहे हैं। तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं दिन रात, इनको लेकर तो उन्हीं सवालों का जवाब आज मैं टैरो के थ्रू देखने की कोशिश करूँगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड सेकंड थिंग कि आपको रीडिंग के दौरान अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं। और अगर रीडिंग ऊपर ऊपर से जा रही है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, लेकिन दिल को छूकर ये रीडिंग आपके जा रही है, तो ये रीडिंग आप ही के पर्सन की है। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग मैं करती हूँ चैनल पर। अगर बाय चांस आपकी एनर्जीज नहीं आती है लेकिन आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनका ख्याल मेरे व्यूअर्स को दिन रात आता है, उनके पर्सन की क्या सोच है व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच बताइए क्या है व्यूअर्स को लेकर, दिन रात ये क्या सोचते रहते हैं, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। तो देखिए, पहला आपका सेल्फ लव, दूसरा आपका रेसिस्टेंस है, पीस, रियलाइजेशंस, अट्रैक्शन एंड बॉटम की एनर्जी है एक्सट्रीम। एनर्जीज जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी तो डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज स्ट्रॉन्ग में दिखेंगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रही हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं ना, ये पर्सन भी आपको दिन रात सोच रहे हैं, और इवन ये पर्सन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको दिन रात सोच रहे हैं। मतलब इस पर्सन की आपको लेकर जो सोच है ना, वो इस लेवल तक है जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, जिसको आप तोल नहीं सकते हो, जिसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है साथ में कि जितना ये पर्सन दिन रात आपको सोच रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा अपनी सोच को जैसे कि कंट्रोल करने की, थामने की, रेसिस्ट करने की ये पर्सन कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि आपकी याद आ रही है, तो ये पर्सन उस याद से फाइट कर रहे हैं, अपने थॉट से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को रोकना चाह रहे हैं इस वे में कि क्यों इतना ज़्यादा आपको याद करते हैं। यहाँ पर इवन ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन दिन रात इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं कि इनके मन में भी यहाँ पर सुकून नहीं है, अपने आप को सुकून पहुँचाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए ये पर्सन अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ़ लव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर्सन का अट्रैक्शन दिन रात आपको लेकर उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर फील भी कर रही हूँ और देख भी रही हूँ। आपकी यादें इस पर्सन के मन में, इनके थॉट्स में इस कदर दिन रात चलती हैं जैसे कि तूफ़ान इनके थॉट्स में आता है, और ये इस तूफ़ान से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तूफ़ान से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तूफ़ान आपके पर्सन के मन का सुकून भी खो देता है, और कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये आपकी थॉट्स इस पर्सन के मन में चलते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी इस पर्सन को आपकी यादें आती हैं, या जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं ना दिन रात, उतना ज़्यादा ये पर्सन रियलाइज़ भी करते हैं
कि ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं, या इनके दिल का जो दरवाज़ा है आपके लिए अभी भी खुला हुआ है, या ये जो दिल पे ये ताला लगाना चाह रहे हैं, चाबी जो घुमाकर इन्होंने रख दी है उसकी चाबी अभी भी आपके पास है, या इनके दिल का जो दरवाज़ा है, जो रास्ता है, वो आपसे ही होकर गुजरता है। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी दिन रात रियलाइज़ करते हैं, तभी तो ये एक्सट्रीम लेवल पर आपको याद करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, मतलब आपके पर्सन ना फुल मून, न्यू मून, इन पर तो इनकी जो एनर्जी, इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये पर्सन आपको याद करने लगते हैं, या आपके लिए उस एक्सट्रीम लेवल पर ये पर्सन इमोशनली लो भी फील हो जाते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ें इन 6 कार्ड से पूरी तरह से क्लियर है कि जितना आग आपके दिल में लगी हुई है इनकी यादों के माध्यम से, आग तो यहाँ पे भी लगी हुई है, यादें तो इन्हें आपकी आती है। हाँ, बस इतना फ़र्क है आप दोनों के याद करने में कि आप उस याद को याद करके रोते हो, भावुक होते हो, इमोशनल होते हो, और ये पर्सन वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को थामना शुरू कर देते हैं, या उससे अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनका ख्याल मेरे व्यूअर्स को दिन रात आता है, उनके पर्सन के मन में, उनके दिल में दिन रात व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, सेल्फ लव को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में दिन रात क्या चल रहा है, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 of Cups एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 2 of Wands। तो यहाँ पर आपके वाटर एंड फायर, ये दो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप में से एक यहाँ पर फायर है और एक यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर आग है तो एक यहाँ पर पानी है। आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे वाटर की एनर्जीज में ज़्यादा दिख रहे हैं, और आपके पर्सन यहाँ पर फायर एनर्जीज़ के हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनते हुए दिख रही है। यानी कि आप जितना ज़्यादा इस सिचुएशन को इमोशनली लेवल पर देख रहे हो, ये पर्सन इस सिचुएशन को इस वक्त में एकदम आग के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये इनका नेचर है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन दिन रात इस चीज़ का अफसोस मनाते हैं, इस चीज़ को एज अ गिल्ट लेते हैं कि हाँ, इन्होंने आपको खो दिया, आपके साथ को खो दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से इतना दूर कर दिया कि यही अकेले पड़ गए। इन्होंने आपको दूर क्या करा, अल्टीमेटली अपना सहारा ही इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। तो ये पर्सन दिन रात इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, या फिर आप ये कह सकते हो कि आग है, फायर एलिमेंट के ये पर्सन है। तो यहाँ पे एक जिद आ जाती है कि ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, और उसे एक्सेप्ट करने के चलते मुझे अब अपने आप से खुद प्यार करना है। ये पर्सन ना अपने ही थॉट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिन रात कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको दूर करके अपना सपोर्ट, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ में अकेलापन इन्होंने बेसिकली क्रिएट कर लिया है, और अब ये अपनी लाइफ में बस वहीं पर थमे बैठे हैं, एक दुविधा में बैठे हैं। वो चीज़ें दिन रात इनके दिल में चलती हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मुझे करना है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस की वजह है ना, वो कहीं ना कहीं ये खुद ही हैं, और ये पर्सन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। दिन रात इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। रेसिस्टेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात क्या चल रहा है, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 of Swords। भाई यहाँ पे आपके लिए नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ आपका जो भी रिश्ता रहा है वो 2 साल का रहा है, और 2 महीने से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, ये इश्यूज चल रहे हैं, या पॉसिबिलिटी इससे भी कई वक्त का आपका रिश्ता इनके साथ रहा है, लेकिन 2 साल से प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
ठीक है, फरवरी एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से नंबर्स के मामले में नहीं करनी है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, पहली चीज़ तो इन्हें ना सोशल मीडिया पर रहने की ज़्यादा आदत है, मतलब ये पर्सन अक्सर अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं। इनके दोस्त बहुत होंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन इनका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो इनकी परेशानी में इनका साथ दे, या जब इनकी लाइफ में ये कन्फ्यूज़न आया तो इन्हें कोई सही और सटीक सलाह दे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि फेसबुक के और ये इंस्टा के ये जो भी फ्रेंड्स होते हैं ना, ये नाम के फ्रेंड्स होते हैं, तो वही हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन उन्हीं की लाइफ में, उन्हीं की दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आपसे अभी भी अटैच्ड हैं और इनके पास इसके अलग और कोई दुनिया नहीं है जिससे ये अपने इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सके। तो दिन रात ना आप इनके मन में चलते हो, ये पर्सन सोशल मीडिया पे जैसे आपको ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये पर्सन अदर ऑप्शंस पे भी जाते हैं, अदर ऑप्शंस, अदर फ्रेंड्स पे भी जाते हैं, ताकि वहाँ से अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकें। बट ऑब्वियसली इनके जो भी फ्रेंड्स हैं सिर्फ मुंह के फ्रेंड्स हैं, जैसे कहते हैं ना मुंह बोले फ्रेंड्स हैं, और ये पर्सन उनके साथ जाकर अपने इन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली इन्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि आप इनके मन में दिन रात चलते हो, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ढूंढ रहे हैं, वो बात और है। अब आप इन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, बट इन्हें इस चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है कि आपकी लाइफ में क्या है। सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपकी लाइफ में कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुनिया वही है, ये अपनी दुनिया वही मानते हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में दिन रात चल रही हैं। पीस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में दिन रात व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे दोनों ही आप फायर एनर्जी के हों, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। हालांकि यहाँ पे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि भी आया है, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ऐसी भी पॉसिबिलिटी आप दोनों ही आग हो, और दोनों ही जो आग है ना दोनों ही फायर एलिमेंट्स के हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच में इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से दबने के लिए तैयार ही नहीं है, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े पड़े हैं, दोनों के मन में ही सुकून भी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन दिन रात आपके लिए पैशनेट रहते हैं, एक आग इनके दिल में, इनके सीने में आपको लेकर चलती रहती है, वही आग इन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रही है, वही आग इवन इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए फोर्स भी करती है। लेकिन वही चीज़ है ना कि कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है बिना बात के यहाँ पर, क्योंकि मुझे इतना पैशन होने के बावजूद भी ये पर्सन अगर बैठे हैं कन्फ्यूज्ड हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है, हालांकि मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, लेकिन उस बात की वजह से इतना पैशन, इतनी आग होने की वजह से मन में सुकून ना होने के बाद भी ये पर्सन वहीं पर अपने आप को थामे हुए बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस मन में सुकून हो जाए, उस आग को ठंडा करा जाए। तो वो चीज़ें इनके दिल में दिन रात चलती है। आपके लिए वो पैशन मुझे इस पर्सन के मन में दिन रात चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें भी है। रियलाइजेशंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चलता रहता है, गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका आया है फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे वाटर एनर्जीज दिखाई दे रही है, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के केस में आप दोनों ही वाटर एनर्जीज के हों। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि आपके ऑफर्स, आपके एफर्ट्स को ठुकरा कर इन्होंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करी है, क्योंकि उसको ठुकराने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने
वो रास्ते बंद कर दिए जो रास्ते ने नहीं करने चाहिए थे। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा अपनी लाइफ में ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, दरवाज़ों को एकदम बंद नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों का होता है कि गुस्सा आता है ब्लॉक कर देते हैं, नहीं, ब्लॉक नहीं करना चाहिए कभी भी अपनी साइड से, हमेशा अपनी साइड से दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। इस पर्सन को दिन रात इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि आपको मना करके, आपके एफर्ट्स को मना करके इन्होंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी, क्योंकि इन्होंने मना करा आपको, उसके बाद आपने भी अपने इमोशंस को जो इनके लिए थे ना, जो फीलिंग्स थी जो इनके लिए थी, उन्हें बहाया। मतलब आपको हालांकि इस चीज़ को करने में बहुत वक्त लगा, बहुत टफ फेज था आपकी ज़िंदगी का, लेकिन जब कोई इंसान आपको बार बार ठुकरा रहा है, बार बार आपको धकेल रहा है पीछे, बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसके बाद अल्टीमेटली आपका यही था कि भाई हाँ, अब मुझे वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो इमोशन इसके लिए तो नहीं रखने हैं। तो इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन दिन रात होता है, हर पल हर घड़ी होता है कि आपको ठुकराकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तो कर दी, क्योंकि ठुकराने के बाद अल्टीमेटली आप भी एक डिटैचमेंट के प्रोसेस पे पहुंच गए होंगे, डिटैच्ड हो गए होंगे, या उस हद तक आपके दिल में इनके लिए जज्बात नहीं बचे होंगे जिस हद तक होने चाहिए थे या एक वक्त पे थे। तो इस पर्सन को इन चीज़ों का जितना ज़्यादा रियलाइजेशन होता है, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना अपने आप को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की तरफ देखते हैं, अपने आप को इस तरह से फील कर पाते हैं कि दरवाजे बंद करके कहीं ना कहीं उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तो कर दी है। ठीक है, अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात क्या चलता है व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में दिन रात। एम्प्रेस एंड अट्रैक्शन बोथ आर सेम एनर्जीज एंड दिस वन इज़ द लवर्स। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आप दोनों इस तरह से कपल हो, एक टॉरस है और एक यहाँ पर आपका जेमिनी है। ठीक है, और देखो दिन रात ये पर्सन आपके साथ इन्होंने जो पल जिए हैं, जितना करीब आ पाए हो, या जो भी आप लोगों के बीच में एक अजीब सी वाइब्रेशंस थी, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा आप महसूस करते थे, उसके प्रति ये पर्सन आज भी अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि इन सब के बाद, ठुकराने के बाद भी इनका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दिन रात ये पर्सन आपको लेकर अट्रैक्टेड रहते हैं, आपके साथ को लेकर, आप के साथ इनका जो भी रिश्ता रहा है उसको लेकर अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ आज की इस रीडिंग में दिख रही है कि आप दोनों इसी तरह से कपल हो, एक यहाँ पे फायर एलिमेंट का है और एक यहाँ पे वाटर एलिमेंट का है। ठीक है, दोनों इस रिश्ते के लिए अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर, अपने एलिमेंट्स के लेवल पर यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर अट्रैक्टेड हैं, जो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती भी रहती हैं। ठीक है, एक्सट्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात क्या चलता रहता है, कैसा महसूस करते हैं ये पर्सन दिन रात, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए एक्सट्रीम को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो दिन रात ये पर्सन ना अपनी उम्मीदों को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाते हैं, एज एन इनके दिल में ये चीज़ें अभी भी है कि ये रिश्ता फिर से हील होगा। इस रिश्ते में उम्मीदें ये पर्सन दिन रात देखते हैं, जैसे कि डर तो है मन में, एक घबराहट है इस दिल में, लेकिन ये पर्सन फिर भी उस घबराहट के अलग भी इस रिश्ते में ना एक उम्मीद, एक रीयूनियन की उम्मीद फिर भी जगाए बैठे हैं, जिसके बारे में ये दिन रात सोचते भी हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सोच का जो दायरा है, सोच का जो पैशन है ना, वो अलग अलग लेवल पे है। ठीक है, अपने अपने एलिमेंट्स के होने की वजह से देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन दिन रात आपसे, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से दिन रात आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस ये बहुत सारे हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स।
इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो. आपसे कहना चाह रहे हैं हाँ हालांकि हम दोनों अभी इस वक्त में इस पल में एक दूसरे के साथ नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी ना तुम्हें अपने आप से दूर जाता हुआ या जाती हुई नहीं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ. तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं ठीक है. आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू. और ये पर्सन आप तक खुद भी पहुंचने से डर रहे हैं, आपको दूर जाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने से भी ये पर्सन डर रहे हैं. आपसे कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू. आपको प्यार करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं. गाइड कीजिए बताइए. आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू. आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें याद करो ठीक है. हो सकता है यहाँ पे जो नाराज़गी है वो काफ़ी बड़े लेवल पर पहुँच गई हो, वजह जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे पहुँच गई हो और ये मैसेज इन्होंने कभी एक वक्त पे आपसे कहा भी हो कि तुम मुझे याद ना करो तो ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है. तो ये पर्सन आपसे जैसे ये कहना चाह रहे हो यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर. कहना चाह रहे हैं आपसे कि तुमने मुझे कुछ चीज़ें ऐसे महसूस कराई जैसा मैंने कभी भी पहले महसूस नहीं करा. तो अब यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में देखो बहुत सॉलिड वजह है ना, तो ये पर्सन इस बात को इस वे में आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने महसूस कराया है ना वैसा इन्होंने कभी भी किसी के साथ महसूस नहीं करा है ठीक है. You are perfect for me. तुम मेरे लिए perfect हो आपसे कहना चाह रहे हैं. You are too good for me. इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि आप इनके लिए perfect हो, आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, क्योंकि आपकी qualities तो basically यही person जानते हैं ना. तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं. चलिए एंजल्स के माध्यम से ये देखते हैं कि एंजल्स इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है, क्या रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा. गाइड कीजिए. यस भाई देखो आप लोगों के बीच में चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते के जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ एंजल्स के माध्यम से दी गई है. ओ माय गॉड यहाँ पे टू टू यस की एनर्जीज आई है. दोनों ही कार्ड्स यस को डिनोट करके इस चीज़ को जैसे कि स्टैम्प लगा रहे हो कि भाई ये रिश्ता जुड़ेगा. भले आप दोनों के बीच में कितने भी आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना हो रहे हो लेकिन रिश्ते के जुड़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है. इवन ये पर्सन एक्शंस भी लेंगे ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है. और आप ये देखिएगा कार्ड क्या आया है, बिग हैप्पी चेंजेस. इस कनेक्शन में भले अभी कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना चल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना चल रहे हो, लेकिन एक बड़ा बदलाव आएगा और वो आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा. एक्शंस भले अभी आप दोनों नहीं कर रहे हो लेकिन यहाँ पर एक्शंस ना ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे. ये कनेक्शन में क्योंकि दोनों की ही चाहत मिलने की है, साथ रहने की है, अलग होने की नहीं है. भले बाहरी तौर पर बाहरी एटमॉस्फेयर को देखकर, हालातों को देखकर आप कुछ भी क्यों ना एक्ट कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन एंजल्स ने यहाँ पर टू टू यस देकर इस कनेक्शन को स्टैम्प लगा दी है. तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ठीक है. तो ये थी मेरी रीडिंग कि जिनका ख्याल आपको दिन रात आता है उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर दिन रात क्या चल रहा है. आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो. अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके बाय बाय.